कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हर साल एग्जाम में आना कंपलसरी है, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर, एमकॉम तीनों साल में आने वाला चैप्टर है ब्रेक इवन पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट पर। इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस डिस्कशन नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट बेसिक बेसिक क्वेश्चन सारा हम कवर करेंगे, जितने फॉर्मूला होते हैं उन सबको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पहले इसका मीनिंग समझते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसमें ना ही आपको प्रॉफिट हो, नो प्रॉफिट, और ना ही आपको क्या हो, लॉस हो, नो लॉस। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सेल प्राइस, एक ऐसा सेल प्राइस जिसमें ना ही आपको क्या होगा प्रॉफिट, ना ही आपको क्या होगा लॉस, ना आप ऊपर गए, जब आप नीचे जितने का था उतने में बेच दिए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। तो जनरली ब्रेक इवन पॉइंट किसी ना किसी एक सेल को शो करता है, एक ऐसा सेल जिसमें ना ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, ना ही उसमें क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट है नो प्रॉफिट नो लॉस का एक पॉइंट, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, एंड फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत काम का टॉपिक है। ये जो अभी टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं ये कंटिन्यू 2 से 3 4 साल तक आपको लगातार काम आने वाला है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए सेल, सेल्स में से आप माइनस करेंगे वेरिएबल, वेरिएबल माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे आप कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से आप माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद जो बचता है इसको बोलेंगे प्रॉफिट। अगर आपको ये टेबल याद हो गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी में सॉल्व हो जाएंगे। जब भी कोई मिस वैल्यू होगा जो फाइंड करना होगा वो इस टेबल से फटाक से निकल जाएगा। सम टाइम इसको शॉर्टकट ऐसे बोलता है, एस माइनस बी बचा आपका सी माइनस एफ बचा आपका पी। ये शॉर्टकट फॉर्मूला से क्या निकल सकता है सर? इससे सेल्स भी फाइंड हो सकता है, वेरिएबल फाइंड हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, जो बोलेगा वो निकल जाए। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ने से पहले, इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, बहुत सारे फॉर्मूलास पढ़ने से पहले इस चार्ट को याद कर लो कि सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है, जो बचता है उसको क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा आपका प्रॉफिट। आओ स्टार्ट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट बनाने से पहले पहला फॉर्मूला लगेगा आपका पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फर्स्ट फॉर्मूला है पीवी रेशियो का फॉर्मूला था सी अपॉन एस इंटू 100। अब सर ये सी क्या है? कंट्रीब्यूशन चार्ट से बना, ये कंट्रीब्यूशन यहां रखेंगे, सेल्स से सेल्स आप यहां रखेंगे, तो सी डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। अब आपको सी कहां से निकालना है, इस चार्ट को पुट करेंगे उसमें से आपको सी मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का जो ज्यादा फेमस है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इन टू 100। ये सेकेंड फॉर्मूला है पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट तो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट में भी अगले टॉपिक में हो सकता है, अभी तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता करना। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पता करने के लिए सी अपॉन एस इन टू 100 ये फेमस फॉर्मूला है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेंगे, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इन टू 100। सर चेंज कैसे निकलता है? चेंज निकलता है हमेशा न्यू माइनस ओल्ड। एक आज जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा चेंज कैसे निकलता है। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करने से क्या निकल जाएगा? चेंज। एक और पीवी रेशियो का फॉर्मूला है नंबर 3, पीवी रेशियो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसे वेरिएबल कॉस्ट अगर 40% है तो पीवी रेशियो आ जाएगा 60%। सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बट 1 माइनस 40% करूंगा
तो 1 माइनस 40 का मतलब हो जाता है 60%। कहने का ये मतलब है कि अगर वेरिएबल 25% है तो पीवी रेशियो 75% होगा, अगर वेरिएबल 75% है या 40% है तो ये बचा हुआ क्या बन जाएगा आपका, पीवी रेशियो। तो ये तीन फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, फटाफट लिखना चालू करें इनको, वीडियो को पॉज करो और फटाफट लिख लो, उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ेंगे। यहां से आपका सेल साथ में लिखते चलेंगे, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, या फिर पूरा वॉच करके फिर पीछे बैक साइड करके आपको वापस लिखना पड़ेगा। सेल, सेल में से वेरिएबल माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट में से प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट बचेगा। पीवी रेशियो के तीन फॉर्मूला है, फटाफट लिख लें इनको, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पीवी रेशियो से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पहले बनाएंगे। चलो वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, हम आगे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल नंबर टू, आपके पास जो भी बुक होगा उसमें ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। साहित्य भवन पब्लिकेशन, द राइटर इज के एल गुप्ता, के एल गुप्ता के बुक से हम बना रहे हैं। देखिए क्या है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फालतू क्वेश्चन है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन सी निकालने बोला आपको, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन सी निकालना है। तो देखो सी कैसे निकालेंगे, इसमें सेल्स और क्या दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला आप लिखते हैं, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। पीवी रेशियो आपको कितना परसेंट दिया, 40%, तो आप सिर्फ 40 लिखना। अगर आप यहाँ 100 यूज करते हो तो ये 100 यहाँ पर है, अगर आप पॉइंट लगाते हो तो भी 100 यहाँ पर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, 40% लिखना है, सिर्फ 40%, ओनली 40 इज इक्वल टू सी, सी सी निकालना है आपको। एस, एस की वैल्यू कितना दिया है, 1,50,000, एस की वैल्यू 1,50,000, मल्टीप्लाई 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसको इधर करते हैं, 40 इंटू 1,500 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ गई 60,000, सी की वैल्यू आता है आपका 60,000। ये आपका पहला, ये बहुत बेसिक है, कोई मतलब का नहीं है, आप नहीं भी बनाओगे चलेगा, बस आप रिविजन करते जाओ कि सी कैसे निकल गया। इसके बाद आपको क्या पूछा है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है एंड प्रॉफिट दिया है, दिख रहा सभी को, फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट दिया, और आपको क्या पूछा है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसको बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, दूसरा पैटर्न, फिक्स्ड कॉस्ट दिया तो मैं चालू करता हूं एस, सेकंड, एस नहीं दिया है, क्वेश्चन आपके सामने होना जरूरी है, आपको समझ नहीं आएंगे टॉपिक, यस इसको मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है, बेसिक आप बना सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट तो मैं पहले लिखा एस नहीं है, माइनस वी नहीं है, ये बचा तुम्हारा सी, उसके बाद माइनस करता हूं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, उसके बाद बचेगा तुम्हारा प्रॉफिट। तो देखो क्या क्या दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया 40,000, ये रख दिया मैंने 40,000, एंड प्रॉफिट दिया है 30,000। अब आपको बस ये कॉमन सेंस लगाना है कि इधर क्या होगा, कि 30 बचा होगा, इन दोनों को ऐड कर दो 70,000, 70 में से 40 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 30, तो क्या मिल गया कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। फिक्स्ड कॉस्ट में जब आप प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आपको सी मिल जाएगा, तो ये बन गया एक और टॉपिक। जितने का आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट रख दो यहाँ पर 40,000, एंड प्रॉफिट रख दो तुम्हारा 30,000, क्या निकल गया, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 70। कोई सेंस नहीं है इन टॉपिक का, सिर्फ मैं बेसिक्स करा रहा हूं ताकि आगे चल के बड़े क्वेश्चंस बना पाऊं। अगला टॉपिक देखो क्या लिखा हुआ है, लॉस, इसको डिलीट करते हैं जल्दी से, अगला बनाएंगे। देखो क्या दिया है, अगला टॉपिक दिया है लॉस और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। अभी जस्ट पढ़ा हमने सी का फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ लो, तो सर लॉस होगा तो क्या करेंगे, तो लॉस को माइनस कर लो, सो सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट में माइनस कर दो लॉस को। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ आपका, 50,000 दिया है, एंड लॉस दिया है 20,000, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 30,000। यूजलेस टॉपिक है, सिर्फ एक हल्का सा रिविजन हो रहा था उसके बारे में दिया हुआ था।
अब टॉपिक आपका चालू होता है फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर थ्री से इनको डिलीट करें जल्दी से। अभी मेन आपका टॉपिक चालू होता है, यहां से फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर थ्री। चलिए पढ़ो एग्जाम्पल नंबर थ्री क्या कहता है, थोड़ा सा जूम करते हैं फिर जूम आउट कर लेंगे। ये दिया हुआ है, कहता है कैलकुलेट पीवी रेशियो। के पीवी रेशियो निकालना है आपको। क्या क्या दिया हुआ है? सेल दिया है और क्या दिया है? वेरिएबल कॉस्ट दिया है। सेल दिया है और क्या दिया है? वेरिएबल कॉस्ट दिया है। तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट को मैं कैसे यूज करता हूं? सबसे पहले हम यही सॉल्व कर लेता हूं मैं। सेल सेल रखा मैंने कितने का? 80,000। यही सॉल्व कर लेते हैं। सेल में से माइनस करते हैं हम क्या? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया? 60,000। अब जब आप सेल्स में से वेरिएबल माइनस करोगे तो तुम्हारा बचेगा क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000। मिल गया। अब आपको क्या पूछा है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन एस इंटू 100। सी के वैल्यू कितना आता है? 20,000। एस के वैल्यू कितना है? 80,000। मल्टीप्लाई 100। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाते जाओ बनाते जाओ। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेटर यूज कर ले सभी। 25% 25% इज पीवी रेशियो। धीरे धीरे टफ होगा, देखते जाओ आराम से। अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। मैं टफ क्वेश्चंस में बड़े धीरे धीरे जाऊंगा, अभी बेसिक शुरुआत हो रहा है तो मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, देन आप बना सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक बन गया तुम्हारा, ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल को माइनस करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद पीवी रेशो सी अपॉन एस इन 200, जो भी अपने कॉपी में फॉर्मूला लिखा हुआ, देखो अपने कॉपी में अपने लिखा हुआ सी अपॉन एस, तो सी रख लिया आपने, एस रख लिया, इंटू करे, डिवाइड करे, आपका आंसर आ गया। हो गया लिखना, पॉज करके लिख लो, देन आगे बनाते हैं। नेक्स्ट डिलीट करें हम। आगे बढ़ते, देखिए क्या है अगला टॉपिक। इसमें दिया हुआ है आपको सेल्स दिया है 1 लाख का, ठीक है। सेल्स 1 लाख का दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट इज 30,000। ये दिया आपको, सेल दिया है 1 लाख का, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ आपको 30,000 का, एंड प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट आपको दिया है 20,000 का। बी पॉइंट देख रहे हैं, बी पॉइंट, सेल दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो क्या करें सर? चलो आओ फॉर्मूला लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना चार्ट लगाऊंगा। चार्ट क्या कहता है? सेल्स, एक सेकेंड, ये दिया मेरा सेल्स। सेल्स की वैल्यू दिया है 1 लाख, माइनस वेरिएबल, वेरिएबल नहीं दिया सर, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। यस, मैं पहले बताया ये वाला टेबल बना लो आप, आपसे फटाफट बनने लग जाएंगे। एंड उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट भी दिया है, वेरी गुड, 20,000 का प्रॉफिट है। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो 50,000। अब आप क्रॉस चेक कर लो, 50 में से 30 जाएगा तो 20, एंड यहाँ कितना आएगा? ऑफकोर्स 50,000। लो बन गया चार्ट। इसके बाद आपको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। किसका? पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला सी अपॉन एस इंटू 100। सी की वैल्यू कितना दिया है? 50,000। यहाँ पर आ गया आपका 50,000। एंड एस की वैल्यू कितना दिया? एस की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लाख, यहाँ पर आ गया आपका 1 लाख। इंटू 100, 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, इंटू 100 करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 20, 50%। सो सिंपल। अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है, एग्जाम्पल 1, 2, 3 ये सब पेपर में थोड़ी ना आएगा। तो सिर्फ पीवी रेशो चैप्टर तो मेरा बीपी है, अभी तो बीपी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अगला एक और देखो, सी पॉइंट क्या कहता है? सी पॉइंट, सी पॉइंट कहता है सेल्स दिया है, एसपीयू दिया है, ये दिया है एसपीयू 10, एंड वेरिएबल दिया है कितने का आपको? 7। दिखा सभी को? सेल्स दिया है 10 रुपए का, एंड वेरिएबल दिया है 7 रुपए का। तो बना लो एस माइनस वी। सर पर यूनिट दिया तो क्या करेंगे? कोई जरूरत नहीं डरने का, पर यूनिट दिया तो
आप ये फॉर्म लगा ले, एस एस की वैल्यू है कितना 10, माइनस वी की वैल्यू कितना है 7, माइनस कर दो कितना आ गया 3, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला यही है, सी में रख दो कितना 3, एस में रख दो कितना 10, 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 आ गया आपका 30, 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 30%, इसका आंसर निकालोगे 30%। बहुत सिंपल सिंपल है ये, यहाँ पर लिखना है तो अभी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 30, वेरिएबल कॉस्ट इज 60%, तो पीवी रेशियो 40%, डन। अभी भी एग्जाम में ये सब नहीं आते, ये बेसिक्स है, बेसिक्स पढ़ोगे तो फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, 40% आ गया। अब आया एग्जाम्पल नंबर 4 जो थोड़ा सा मेन है, यहां से हम चेक करते हैं, पेज को क्लियर कर लें, उसके बाद बनाएंगे। यस एग्जाम्पल नंबर 4। अब थोड़ा आराम से, अभी तक आप नहीं लिख रहे हो या लिख भी रहे हो तो बंद कर दो, आराम से चेक करो, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ेंगे। पहले तो हम समझेंगे क्वेश्चन को क्या दिया हुआ। कैलकुलेट पीवी रेशियो, ओके कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो, आपको ईयर दिया है, आपको सेल दिया है, आपको प्रॉफिट दिया। जब ये वाला पैटर्न दिखेगा ना, ऐसा इसमें 2 साल दिया है, 2 ईयर दिया है, 2 प्रॉफिट दिया है, 2 सेल दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो समझ जाना पीवी रेशियो का सेकेंड फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इंटू 100, ये फॉर्मूला लगेगा। तो आओ बना के दिखाऊं मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम आउट इन, जूम आउट, वेट, चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो का फॉर्मूला अब लगेगा आपका, पीवी रेशियो का फॉर्मूला अब लगेगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, बोलो, चेंज इन सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये देखो प्रॉफिट दिया तुमको, 2 प्रॉफिट दिया हुआ, ये दिया है 2 प्रॉफिट, 30,000 और 70,000। ईयर वाइज अगर देखो आप, तो ये वाला ईयर दिया पहला 2012, 2013, 2 प्रॉफिट दिया हुआ आपको मिला। अब इसमें से एक आपको रखना है क्या, न्यू माइनस ओल्ड, हमेशा क्या रखेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। चेक करते हैं न्यू कितना है, न्यू है आपका 7070,000 एंड ओल्ड है आपका 3030,000, इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया 40,000 का आपका चेंज इन प्रॉफिट। फिर फॉर्मूला लिखेंगे क्या, चेंज इन सेल्स, अगेन क्या, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू 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 कितना है 2 लाख, 2 लाख का न्यू, नीचे वाला जो नया ईयर है वो न्यू, पुराना ईयर है वो ओल्ड, इसको माइनस करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 लाख रुपीज आ गया। अब आप फॉर्मूला में पुट कर लेंगे क्या, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट 40,000 डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल्स 1 लाख इंटू 100, चालीस हजार डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 40%, ये आ गया तुम्हारा पैटर्न। देख लो आराम से किस तरीके से बनाइए पैटर्न, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ठीक है सर, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। इसके बाद आप पढ़ेंगे क्या, फॉर्मूला निकालेंगे चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड, तो जो तुम्हारा न्यू था 70,000 में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, वैसे सेल्स में न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे और जो चेंज निकला उसको पुट करेंगे, तो पहला आंसर आपका आ जाएगा 40%, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। अगला बी पॉइंट आते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर लिख लें सभी, बी पॉइंट बनाएंगे। अगर आपको नहीं लिखना है, आपको समझ में आ रहा है चीजें, तो आप डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं, और अगर पहले पढ़ा हुआ है तो केवल रिवीजन लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, बी पॉइंट, बी पॉइंट कहता है कि सेल्स दिया है
ठीक है, सेल्स दिया है, सेल्स दिया है आपको एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, मतलब एक लॉस भी और एक प्रॉफिट भी है। ऐसा क्वेश्चन सिंपल कॉमन सेंस से बनाना पड़ेगा आपको कि लॉस दिया तो क्या करूंगा, प्रॉफिट दिया तो क्या करूंगा। चलो चेक करते हैं फटाफट, इसको ही बनाते हैं, आराम से चेक कर लो, अभी बनाने की जरूरत नहीं है आपको हड़बड़ी में, सिर्फ और सिर्फ सीखने का प्रयास करो। अभी देखिए क्या क्या है, फॉर्मूला अगेन मैं लिखूं क्या, पी वी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, चेंज इन प्रॉफिट निकालेंगे, क्या होता है न्यू में से ओल्ड को माइनस करो। चलो सर, न्यू प्रॉफिट क्या है, न्यू प्रॉफिट क्या है मेरा, ये है न्यू प्रॉफिट 20,000 का, ये दिया है 20,000 का न्यू, ठीक है। माइनस ओल्ड, ओल्ड में क्या है, -10,000, केयरफुली ध्यान से -10,000 रखना क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में थी। अब 30 माइनस माइनस प्लस 20 और प्लस हो गया 10, आपका कितना बचा 30,000, 30,000 का तुम्हारा क्या निकल गया, चेंज इन प्रॉफिट। अब अगला लगाते हैं हम क्या, चेंज इन सेल, चेंज इन सेल इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, पहले कितना था 2 लाख, अब 1 लाख, सेम क्वेश्चन 2 लाख माइनस 1 लाख, कितना आ गया तुम्हारा 1 लाख। अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, किसका फॉर्मूला, पी वी रेशियो का फॉर्मूला जो अपने पहले लिखा हुआ है, पी वी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 30% आपका आंसर। उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ जाएगा, और अगर समझ में नहीं आता तो प्रीवियस करो, या फिर क्लास में आता तो क्लास में डाउट्स पूछ सकते हो आप उससे रिलेटेड। यहाँ पर सिर्फ एक बैकअप मिल रहा है आपको कि ताकि एग्जाम के पहले आप फटाफट फटाफट क्विक रिविजन में पढ़ सकें इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, चलो अगर आप इसको नहीं लिखे तो जल्दी से लिख लो, वीडियो को पॉज करेंगे लिख लेंगे, उसके बाद वीडियो प्ले करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो क्या लिखा अगला टॉपिक, अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको दिया हुआ है क्या, सेल्स एंड कॉस्ट दे दिया है, सेल दिया है और क्या दिया आपको, कॉस्ट दिया है, सेल और कॉस्ट, सर प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो देखो मैं बना रहा हूं यहां पर ध्यान से, मैं सेम क्वेश्चंस को कॉपी करता हूं, तब आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम सेल रखते हैं, सेल कितना दिया, अगेन वही सर 1 लाख एंड 2 लाख, इसके बाद क्या दिया है कॉस्ट, सेम प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का मैं कॉपी कर रहा हूं, 70,000 एंड 1,20,000। अब आपको कॉमन सेंस सिर्फ लगाना है जो आजकल के बच्चों में रेयर हो चुका है, सेल्स में से कॉस्ट 1 लाख में से 70 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 30,000, वो आपका प्रॉफिट। आपका सेल 1 लाख का था, आपने कॉस्ट उसमें 70,000 लगाया तो डिफरेंस आता है 30,000, 30,000 का प्रॉफिट। फिर 2 लाख में से 21 माइनस किया तो कितना बच गया तुम्हारा 80,000, लो बन गया। अब यहां से तुम क्या निकाल लो, चेंज इन प्रॉफिट, यहां से निकाल लो चेंज इन सेल, डिवाइडेड बाई कर लो और इंटू 100 कर लो, बन जाएगा टॉपिक। तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, किसके बाद फिर बनाओ, देख लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट को चेंज कर लो, 80 में से 30 जाएगा 50,000 का, और वापस वहां से 1 लाख का, 50 बाई 1 लाख, 50% आपका आंसर। डी पॉइंट पढ़ते हैं, डी पॉइंट क्या कहते हैं, कॉस्ट दिया है एंड प्रॉफिट दिया है, अब तो सेल ही मिसिंग कर दिया, पिछले बार प्रॉफिट मिसिंग था, कॉस्ट सेल मिसिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनेगा ये भी, इसको डिलीट करते हैं। आपको समझ नहीं आया तो बैकअप पीछे प्रीवियस करके थोड़ा सा बैक करके आप लिख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन को कॉपी करता हूं मैं, कॉस्ट और क्या दिया है प्रॉफिट, कॉस्ट है 4,50,000 का एंड प्रॉफिट है 50,000 का, कॉस्ट है आपका 6 लाख का, प्रॉफिट है आपका 1 लाख का। आप सिंपल एक कॉलम बना लो किसका, सेल,
क्लास 11 से आप पढ़ रहे हैं, इतने का मेरा कॉस्ट है, इतने का मेरा प्रॉफिट है, दोनों को जोड़ लो, बेच दिया 5 लाख में मैं बेचा हूं, 4.5 लाख मेरा लग गया था, 50,000 का मेरा प्रॉफिट, 5 लाख में आप बेच दिए हो, एंड 6 लाख का कॉस्ट, 1 लाख कमाया तो 7 लाख में बेचा। अब आपका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट यहां से निकाल लो, चेंज इन सेल यहां से निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड कर लो, फॉर्मूला आपका डन, परसेंट निकल जाएगा। यहां से प्रॉफिट दिख रहा है 50,000 का, यहां से दिख रहा है 2 लाख का, 2 लाख का 50,000 करोगे तो मेरे ख्याल से 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 25% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से हुए हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाएंगे, इसको कंप्लीट कर लो फिर कंटिन्यू चलते जाओ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 5, बुक में भी आपको मिलते जाएगा, चेक करते जाएंगे और आपको प्रॉब्लम ना हो करके मैंने क्वेश्चन सामने रखा हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू हैव ऑब्टेन फ्रॉम लक्ष्मी लिमिटेड, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, सब तो दे दिया सर, वेरिएबल मिसिंग है। फाइंड आउट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब आपको 3 बार पीवी रेशियो निकालना है, 3 बार पीवी रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां से चालू करते हैं, हम अपना टॉपिक लिखेंगे सेल्स, कितने का सेल्स है सर, सेल्स है 50,000 का, इसमें से माइनस करेंगे क्या प्रॉफिट, नहीं, क्या माइनस करेंगे बोलो, वेरिएबल कॉस्ट, इसमें से माइनस होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं है सर। उसके बाद जो बचता है उसको क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है सर, फिर क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, यस सर गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट, कितने का फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 15,000 का, एंड लास्ट में आपका बचेगा क्या प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट है यहाँ पर 5,000 का, ये प्रॉफिट आ गया आपका। अब क्या करेंगे इन दोनों को, यस 20,000 प्लस करेंगे सर, इनमें से क्या माइनस करेंगे कि यहाँ पर आएगा 30,000 माइनस करोगे तो आपका 20,000 आ जाएगा, एक बार देख लो, 50 में से 30 गया, 20 में से 15 गया, 5 मिल गया आपका टॉपिक। अब आपको क्या निकालना है, पीवी रेशो निकालना है, ठीक है, पहला पॉइंट जो पूछा है वहां से बनाएंगे, कैसे कैसे पूछा है उस तरीके से बनाएंगे, तो देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा है वो चेक करते हैं। सबसे पहले दिया है आपको कि सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, ओके, इफ सेल प्राइस, लिखेंगे पूरा थ्योरी, सेल प्राइस इंक्रीज बाय 20%, याद रखना जब जब सेल में चेंजेस होगा, जब जब सेल में चेंजेस होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, पीवी रेशो चेंज होगा, जब जब सेल में चेंज होगा, वेरिएबल में चेंज होगा, तो कंट्रीब्यूशन, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनमें चेंज होने से पीवी रेशो में डिफरेंस आएंगे। अब आप लोग चेक करेंगे किस तरीके से मैं बना रहा हूं, बंद कर दो लिखना आराम से, देखो क्या है, इफ सेल्स 20% बढ़ गया, ठीक है, तो सेल पहले था कितने का, सेल था मेरा 50,000, कितना परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 50,000 का 20% 10,000, टोटल कितना हो गया 60,000, ये मेरा आ गया न्यू सेल, माइनस वेरिएबल, वेरिएबल कितना था क्वेश्चन में 30,000 जो आपने निकाला, बचा कितना तुम्हारा प्रॉफिट, सॉरी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बच गया तुम्हारा 30,000, ये जो सेल दिया था आपका 50,000 इसको हमने 20% बढ़ा दिया, ये जो वेरिएबल अभी मैंने वर्किंग नोट करके निकाला था उस वेरिएबल को आप डायरेक्ट पुट कर दो, इसमें चेंजेस मत करो, तो 60,000 में से 30 माइनस होता कॉन्ट्रीब्यूशन 30 आ गया। अब किसकी बारी है आपका, पीवी रेशो निकालने की बारी है, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वाला पीवी रेशो फर्स्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, सी अपॉन एस इंटू 100, कितना आया था सर अभी अभी हमारा सी 30,000, एस कितना आया 50,000 इंटू 100, ये आ गया इंटू 100, कितना आता है 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, 60%, चेक कीजिए बुक में 60% दिया है क्या, एग्जाम्पल नंबर 5 का पहला पॉइंट ए, इसमें 50% दिया है, यानी चेंजेस 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000, ओके देखो गलती क्या रखा मैंने, 30,000 डिवाइडेड बाय न्यू सेल रखना है ना, न्यू सेल 60,000 का न्यू सेल है आपका,
लिखा गलती क्या हुआ, ये जो 50,000 ये तो ओल्ड सेल था क्वेश्चन में गिवन, जो तुमने निकाला अभी क्या निकाला था तुमने सेल 60,000, तो 60,000 पुट करेंगे यहाँ पर, 60,000 एज पर चेंज, चेंज वाला सेल यूज करेंगे, चेंज वाला सेल आपको कितना है 60,000, तो 50,000 कौन सा सेल है, ओल्ड सेल है, नया सेल कितना आया 60,000, तो 60 मैं देखा नहीं इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर दिया तो दिखा नहीं, 60,000 60 को रखेंगे तो कितना आएगा 50% आएगा तुम्हारा, चेक करके देख लो कैलकुलेटर में, 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 50%, 50% ये तुम्हारा आ गया यहाँ से 50%। आगे बी पॉइंट बनाते हैं, इसका बी ऑप्शन चेक करते हैं हम, बी ऑप्शन क्या कहता है, फिक्स्ड कॉस्ट इज डिक्रीज बाय 10%, किसमें चेंज हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हो रहा था, अब जरा देखो मैं क्या टॉपिक बता रहा था, इसमें चेंज हो रहा है ना फिक्स्ड कॉस्ट में, इसमें कोई चेंज नो सर, इसमें कोई चेंज नो सर, इसमें कोई चेंज नो सर, तो इतने से तो आपका पीवी रेशो बन जाएगा, नहीं समझे, देखो यहीं पर मैं हल्का सा निकाल के दिखाता हूँ, पीवी रेशो सेल है और कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 20,000 का है, सेल है 50,000 का इंटू 100, फिक्स्ड कॉस्ट का तो यूज ही नहीं होता पीवी रेशो में, तो जब क्वेश्चन बोलता है कि पीवी रेशो को फाइंड करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आएगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट और चेंजेस का कोई मतलब नहीं, जो आपने बेसिक अपना टेबल बनाया हुआ है इस बेसिक टेबल से आप यूज कर सकते हैं, बेसिक टेबल से, तो बी पॉइंट आपको लिख के दिखाता हूं किस तरीके से लिखेंगे, देखो बी पॉइंट, इफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या कहता है डिक्रीज बाय 10%, रहने दो सीधा पीवी रेशो निकालो, पीवी रेशो सी अपॉन एस, सी कितना है आपका 20,000, एस कितना है आपका एस 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 एस, अब ओरिजिनल यहाँ ओरिजिनल 50,000 है, इस बार क्वेश्चन में चेंज लिए थे, 50,000 इंटू 100, 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 लेंगे तो आपका आ जाएगा 40%, तो कहने का ये मतलब है कि जब आपको पीवी रेशो निकालना है तो उस एस वी में चेंजेस होगा तभी चेंजेस आएंगे, अदरवाइज फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट पढ़ो क्या कहता है, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%, ठीक है यहां बनाते हैं तीसरा पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज बाय 10%, तो ऊपर क्वेश्चन से हम वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, कितना था वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट था हमारा कितना, ये है 30,000, 30,000 का वेरिएबल कॉस्ट था, वेरिएबल कॉस्ट को 10% कम करना है, चलो करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट था तुम्हारा 30,000 का 10% कम करना है, कर लेते हैं 10% कम 3,000, तो बचा तुम्हारा कितना 27,000, ये अब आया तुम्हारा नया भी वेरिएबल, नया वेरिएबल, वेरिएबल को 10% कम कर दिया, अब एस एस कितना था 50,000, चेक कर लो हाँ 50,000, माइनस वी, वी में अब कितना आएगा जो अभी अभी हमने निकाला नया वी 27,000, तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 23,000, पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से, सी अपॉन एस इंटू 100, 23,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, 46% एस पर बुक, 46%, 46% यस, बार बार गलत नहीं होता एक बार हो जाता है 46%, तो देखो क्या किया इसमें, वेरिएबल कॉस्ट को 10% कम करना है, कर लो वेरिएबल, नया भी निकाल लो, इसको बॉक्स में रख लो, उसके बाद फिर टेबल लगाओ अपना, उसके बाद बना लो, तो इस तरीके से आपको पीवी रेशो निकालने हैं, तीन पैटर्न आपने सीख लिया, एक चेंज इन प्रॉफिट वाला टॉपिक बनाया आपने, और ये तो चेंजेस चेंजेस वाला आया, तो इससे रिलेटेड जो भी बैक क्वेश्चन है उसको कर लेंगे आप लोग, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इससे रिलेटेड बैक क्वेश्चन क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, नहीं ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, देखें बैक क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं है, आप बुक में आएंगे बुक में आपको बैक क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं बता दूं एक बार बुक से कौन कौन से बैक क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, तुरंत तुरंत खत्म कर लो, ताकि फिर कल अगर अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे तो बीपी के बारे में पढ़ेंगे, तो बीपी अगली वीडियो में खत्म करेंगे, आज पीवी रेशो, तो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 तक, 5 आपको बनाने, हाँ बन जाएगा सब बनेगा, 1 से लेकर 6 तक आप बना सकते हैं, और अगर एक आंख नहीं बनता है तो आप क्लास में आकर मुझसे पूछ सकते हैं डाउट में, या फिर अगर किसी को कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ का
एक लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सॉल्यूशन लाइन से मिल जाएंगे। देखो क्वेश्चन मैक्सिमम बहुत सारे हैं, यहाँ एग्जाम्पल इसको मिलाऊंगा तो 100 के ऊपर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारे का सॉल्यूशन एक लिंक वाइज में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो सीधा सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए नंबर वाइज उसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप उसको देखकर लिख सकते हो, समझ सकते हैं किस तरीके से सबका फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। तो ये पहला वीडियो आपका पीवी रेशियो से रिलेटेड है। अगला क्लास हम पढ़ेंगे किसका, बीपी, जो मेन टॉपिक है बीपी से रिलेटेड। 3 से 4 क्लास में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे।